गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अ वेरी क्विक रिविजन, पेज 84, 147 होता है अगर इनकम एस्केप हो गई हो सर्च एंड सीजर के केस में और सर्वे के केस में। 147 कैन बी एनी नंबर ऑफ री असेसमेंट्स सब्जेक्ट टू 147 में अगर इनकम एस्केप कर गया असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, जिस ईयर की इनकम एस्केप करती है उसे हम बोलते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सब्जेक्ट टू 148 to 153 एओ इनकम को असेस रीअसेस कर सकता है, लॉस रिकम्प्यूट कर सकता है और अगर डिडक्शंस गलत अला हो गई थी उनको सही कर सकता है। 147 करने के लिए एओ को 148 का नोटिस देना होता है। एक्सप्लेनेशन कहती है, अच्छा 148 का नोटिस देने से पहले 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, 148 ए डी में ऑर्डर पास करना होता है। एक्सप्लेनेशन कहती है 147 की कि एओ ने अगर आपको बॉम्बे इनकम के लिए 148 इशू किया रेड विद 148 ए और जब वो असेसमेंट कर रहा है उसे पुणे बिजनेस की भी इनकम मिलती है तो वो पुणे इनकम को भी असेस कर सकता है विदाउट इशूइंग अ फ्रेश नोटिस अंडर 148 एंड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर 148 ए फॉर द पुणे इनकम। बट दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इनकम जो मिली है पुणे की इट इज ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर जिसके लिए आप 148 इशू कर चुके हैं। 148 में आपको नोटिस दिया जाता है और नोटिस के साथ आपको सर्व किया जाता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 डी और आपसे कहा जाता है कि आप रिटर्न फाइल करें। लॉ कहता है ये नोटिस जो है आपको एओ तभी दे सकता है अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है जो सजेस्ट करती है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। लॉ डिफाइन करता है व्हाट डू मीन बाय द वर्ड्स इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसके दो मतलब होते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन द फाइल ऑफ सीबीडीटी एज पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी या फिर सीएजी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ऑब्जेक्शन है जो दिखाते हैं कि आपकी इनकम एस्केप की है। एक्सप्लेनेशन हम लास्ट टाइम कर रहे थे, दोबारा कर लेंगे। अभी 148 ए में प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बिफोर इशूइंग द नोटिस अंडर 148। एयू इंक्वायरी कंडक्ट करेगा अगर जरूरत है। नंबर बी, एओ असेसी को शो कॉज नोटिस देगा विद अ परमिशन ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होती है? अगर 3 साल नहीं बीते फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर। और अगर 3 साल बीत चुके हैं अप टू 10 ईयर्स, इट्स चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। आपको शो कॉज दिया जाएगा 148 ए में कि बताइए हम आपको 148 क्यों ना इशू करें। इसमें आपको कम से कम 7 डेज देंगे फ्रॉम द इशू ऑफ द शो कॉज नोटिस और 30 डेज मैक्सिमम टू रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस और ये 7 डेज 30 डेज काउंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द शो कॉज नोटिस। एओ चाहे तो ये टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है। असेसी रिप्लाई देगा, अगर नहीं देता तो भी एओ आगे बढ़ेगा। तो अब
जो इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट इनकम एज स्किप असेसमेंट, जो इंक्वायरी कंडक्ट की ईओ ने इफ एनी, और जो शो कॉज का रिप्लाई है उसको कंसिडर करके ईओ विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफिक अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करेगा 148AD में, जिसमें वो लिखेगा कि क्या ये फिट केस है या नहीं फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148। ये ऑर्डर उसे पास करना होता है विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जब आपने रिप्लाई फर्निश किया। अगर रिप्लाई नहीं फर्निश किया, जो टाइम दिया गया था आपको रिप्लाई फर्निश करने का उस मंथ के एंड, वहां से एक महीना प्रोवाइडेड भी पढ़ेंगे हम 149 है टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर 148। टाइम लिमिट है इशू ऑफ नोटिस के लिए। No notice under 148 shall be issued for the relevant assessment year if 3 years have lapsed from the end of the relevant assessment year unless the case falls in clause B below. तो 3 साल तक नोटिस इशू कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और क्लॉज बी कहता है कि 3 साल के बाद बट अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आप नोटिस इशू कर सकते हैं इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू ₹50 lakh or more, और 10 साल बाद नोटिस इशू नहीं हो सकता है। यानी अगर 10 साल बीत गए डिपार्टमेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकता। सो इफ 3 ईयर्स बट नॉट मोर देन 10 ईयर्स हैव लैप्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अनलेस द ईओ हैज इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस विच रिवील दैट इनकम चार्जेबल टैक्स रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स विच हैव एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 lakh or more फॉर दैट ईयर। यानी अगर आप असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 15 खोलना चाहते हैं, यानी असेसमेंट क्या हो गया 15-16, व्हाट इज द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 16। अगर इनकम एस्केप के 40 लाख नोटिस इशू नहीं कर सकते बिकॉज 3 साल बीत चुके हैं। अगर इनकम एस्केप के असेसमेंट 60 लाख है तो आप नोटिस इशू कर सकते हैं। सपोज 15-16 40 लाख, 16-17 40 लाख, ये इनकम एस्केप की है, क्या नोटिस इशू कर सकते हैं? नो। इस साल की इनकम देखी जाएगी 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम एस्केप कर रही है, 3 साल बीत चुके हैं, नोटिस अंडर 148 कैन नॉट बी इशू। देखिए टाइम लिमिट्स जो हैं वो इशू ऑफ नोटिस के लिए, यानी नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन द टाइम गिवन अंडर 149(1). आपको लास्ट टाइम क्लास में कंफ्यूजन हो रहा था कि पेज 86 पर 148 कहता है बिफोर मेकिंग द असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन अंडर 147 एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 148A द ईओ शैल सर्व ऑन द असेसी नोटिस। यहां सर्व लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ लॉ ये कह रहा है कि अगर 147 करनी है तो नोटिस सर्व करना मस्ट है। अगर नोटिस सर्व नहीं कर पाया असेसी पर तो आप असेसमेंट नहीं कर सकते, लाइक दाऊद अंडर वर्ड डॉन।
उस पर अगर आप नोटिस सर्व नहीं कर पाए बिकॉज उसका एड्रेस ही नहीं मालूम, तो जब एड्रेस नहीं मालूम होता तो ये न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, और जिस दिन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो जाता है नोटिस इंक्लूडिंग इंडिया, तब माना जाता है नोटिस सर्व हो गया है। तो लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि नोटिस मस्ट बी सर्व्ड बिफोर यू स्टार्ट द असेसमेंट, और टाइम लिमिट जो है वो किसके लिए है, फॉर इशू ऑफ नोटिस। सो टाइम लिमिट्स फॉर इशू ऑफ नोटिस, सो नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149(1). इट मे बी सर्व्ड आफ्टर द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर 149(1). लिखिएगा नोट, नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड बी इशूड विद इन द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149(1). And such notice shall be valid even if it is served after the time limits prescribed under section 149(1). So issue time पे होना चाहिए, सर्विस होने में 3 महीने भी लग सकते हैं, असेसी एब्सकॉन्डर है, पता नहीं दुबई भागा या पाकिस्तान भागा लाइक दाऊद। सो नोटिस मस्ट बी इशूड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149(1), एंड सच नोटिस शैल बी वैलिड इवन इफ इट इज सर्व्ड After the time prescribed under section 149(1). तो जो मैं example ले रहा था, assessment या 15-16, income 60 lakh escape कर गई है, ठीक है, नहीं चलिए 19-20 ले लेते हैं, एटीन नाइनटीन की अगर इनकम एस्केप किया 20 lakh, ठीक है, तो नोटिस कब तक इशू हो सकता है, 31st March 2022। अगर इशू इस दिन होता है और सर्व होता है 30th June 2022 को, इट्स अ वैलिड नोटिस। सो लॉ सिर्फ ये कहता है कि इशू टाइम पे होना चाहिए, सर्विस चाहे बाद में हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, और 148 ये कहता है कि नोटिस मस्ट बी सर्व्ड बिफोर यू स्टार्ट द असेसमेंट, क्योंकि बड़ी मेजर असेसमेंट है, सर्विस मस्ट है, असेसी एब्सकॉन्डर है तो न्यूज़पेपर में छाप देते नोटिस, इंडियन न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, और जिस दिन पब्लिश हो जाता है न्यूज़पेपर्स में नोटिस, उस दिन सर्विस मानी जाती है। ओके, क्लियर है ये। इट सेज 3 साल बाद, 10 साल तक आप नोटिस इशू कर सकते हैं इफ द इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 lakh और मोर, लाइकली टू अमाउंट टू, जो एओ के पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 52 lakh की इनकम एस्केप की है, बट जब अल्टीमेटली असेसमेंट होती है तो पता चलता है 49 lakh की थी और नोटिस 8th ईयर में इशू किया गया, वैलिड है या नहीं, वैलिड है, बिकॉज जब एओ ने नोटिस इशू किया उस समय इनकम जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से वॉज लाइकली टू एक्सीड 50 lakh एंड देयरफॉर द नोटिस इज वैलिड, क्योंकि जो एओ के पास इंफॉर्मेशन है उससे आपकी सही इनकम तो असेस नहीं कर सकता, हो सकता है 3 लाख की इनकम टैक्सेबल ना रही हो,
आप कहेंगे मिसयूज होगा, एओ हमेशा कहेगा कि इनकम 50 लाख और मोर है ताकि 10 साल मिल जाए। नो, आप देखिए नोटिस इशू करने के लिए उसे प्रिस्क्राइब अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी 3 साल बाद नोटिस इशू करने का अप्रूवल तभी देगी जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 50 लाख रुपीज और मोर। अगर इनकम एग्जैक्टली 50 लाख एस्केप कर रही है, यस 10 साल इट इज 50 लाख और मोर फॉर दैट ईयर। ठीक है, अब कुछ फर्दर करने जा रहे हैं। ये सारा लॉ चेंज हुआ फाइनेंस एक्ट 21 से, ये सारा लॉ चेंज हुआ फाइनेंस एक्ट 21 से और ये नया लॉ आया है 1421 से। 31 मार्च 21 तक ओल्ड लॉ हुआ करता था। सो ये प्रोसीजर है, तो 1/4/21 से जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो नए लॉ के हिसाब से होगा। 31 मार्च 21 तक ओल्ड लॉ लगता था और ओल्ड लॉ का 149(1)(a) कहता था कि नोटिस आप इशू कर सकते हैं 4 साल तक इफ एनी इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, और 4 साल के बाद, सो 149(1)(b) भी कहता था कि 4 साल बाद नोटिस इशू कर सकते हैं अप टू 6 ईयर्स इफ द इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 1 लाख रुपीज और मोर, और 6 साल बाद नोटिस इशू हो ही नहीं सकता था। 6 साल बाद नोटिस इशू हो ही नहीं सकता था। सो ओल्ड लॉ में जो एप्लीकेबल था 31 मार्च 21 तक 149(1)(a) जो ओल्ड था वो कहता था कि नोटिस आप 4 साल तक इशू कर सकते हैं इन एनी केस, एनी कितने भी इनकम इसकी हुई हो, और 149(1)(b) कहता था कि नोटिस आप 4 साल बाद इशू कर सकते हैं बट मैक्सिमम अप टू 6 ईयर्स इफ द इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 1 लाख रुपीज और मोर। अब मेरी असेसमेंट ईयर 14-15 है, 14-15 है, इसकी इनकम 60 लाख एस्केप की है। बताइए ओल्ड लॉ में ये नोटिस कब तक दे सकते थे आप? 31 मार्च 21 तक। और अब लॉ कहेगा कि जो साल भी देखते देखते देखिएगा प्रोवाइडेड डेट, सो पहले लॉ कह रहा है कि 3 साल तक केस खोल सकते हैं एनी इनकम और 3 साल के बाद बट 10 साल तक आप नोटिस इशू कर सकते हैं इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 50 लाख और मोर प्रोवाइडेड डेट। ये है फर्स्ट प्रोविजो टू 149(1) जो नया आया है, प्रोवाइडेड एट नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड एट एनी टाइम इन अ केस फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 21 इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट अ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ बींग टाइम बार्ड ऑन अकाउंट ऑफ बींग beyond the time limit specified under the provisions of clause B of subsection 1 of this section
एज दे स्टूड इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 21। यानी कि जो केसेस पुराने लॉ में नहीं खुल सकते थे वो नए लॉ में भी नहीं खुल सकते, जो केसेस पुराने लॉ में नहीं खुल सकते थे वो नए लॉ में भी नहीं खुल सकते। अभी एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो देखिए असेसमेंट या 14-15 ये केस खुल सकता था 31 मार्च 2021 तक, और अब नए लॉ में ये केस नहीं खुल सकता, नए लॉ में ये केस नहीं खुल सकता। यानी जो असेसमेंट ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से पहले, अगर वो ओल्ड लॉ में खुल सकता था तभी नए लॉ में खुल सकता है। अगर वो केस ओल्ड लॉ में खुल सकता था तो नए लॉ में खुल सकता है। तो ये केस देखिए 6 साल तक खुल सकता था 31 मार्च 21। अगर एओ चाहे कि 1621 को इसके लिए नोटिस दे, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा अभी देखते हैं, प्लीज देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर 148 शैल बी इश्यूड एट एनी टाइम इन केस फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2021 इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इश्यूड एट दैट टाइम on account of being beyond the time limit specified under the provisions of 149(1)(b) जो पहले था prior to Finance Act 21। अभी देख लेते हैं, हो सकता है मेरा एग्जाम्पल गलत हो, देख लेते हैं। आइएगा, पेज 99 पर टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148। फॉर एग्जाम्पल शायद गलत था, अभी देख लेते हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। The old time limit given under 149 shall be applicable up to 31st March 21 with effect from old time limit क्या थी कि 4 साल बाद 6 साल तक आप नोटिस इश्यू कर सकते हैं if income escaping assessment is 1 lakh or more। अब नया लॉ क्या है कि up to 3 years from the end of the relevant assessment year नोटिस आप किसी भी केस में इश्यू कर सकते हैं, बियॉन्ड 3 years बट अप टू 7 years, 10 years, 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जहां एओ के पास इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है जो रिवील करता है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख और मोर फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। For the purpose of this provision, assets shall include immovable property being land, building or both, shares, securities, loans, advances, deposit in bank account. First proviso to section 149(1). Old time limit simultaneously applicable in few cases. Restriction has been provided at notice under 148 cannot be issued at any time. In a case for assessment year 21-22 or any earlier assessment year, if such a notice could not have been issued at that time on account of being beyond the time limit prescribed under the old provisions of 149(1)(b) as they stood immediately before the amendment providing the new time limits. Under the old provisions of 149(1)(b), reassessment notice could have been issued after 4 years, but not after 6 years,
from the end of the relevant assessment year, if the income chargeable to tax, which is a skipped assessment, amounted to 1 lakh or more for that year, but not after the expiry of 6 years from the end of the relevant assessment year, chahe kitni bhi income escape kar gayi ho. So as per law, up to 31st March 21, the notice under 148 could have been issued only for assessment year 14-15 and future assessment years, as there was a time limit of 6 years to issue the notice. So old law mein aap assessment year 14-15 and future assessment years ke liye notice issue kar sakte the. However, acha. So मेरा एग्जाम्पल गलत था, अभी ठीक कर देता हूं. सो आप पुराना लॉ पहले लगाएंगे और देखेंगे पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस क्या 31st March 21 तक इशू हो सकता था. अगर हो सकता था फिर आप नया लॉ चेक करें. बट सर्च एंड सीजर के केस में फर्स्ट प्रोविजन नहीं लगेगी, क्योंकि जो लॉ था अप टू 31st March 21 वहां सर्च एंड सीजर के केस में 147 नहीं होता था, तो 149 नहीं लगता था. वहां 153 में असेसमेंट होती थी जो डिलीट हो गया है. सो प्लीज, इस सर्च एंड सीजर के केस में जो पुराना लॉ था उसमें 147 में असेसमेंट नहीं होती थी एंड कॉन्सिक्वेंटली 149 की टाइम लिमिट्स नहीं लगती थी. ओल्ड लॉ में सर्च एंड सीजर के केस में 153 में असेसमेंट होती थी, जहां टाइम था 10 साल टू रीओपन द केसेस. सो 153 वी नीड नॉट डू. हाउएवर, इन केसेस ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132 और एनी रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A, द असेसमेंट एंड इश्यूएंस ऑफ नोटिस वॉज गवर्न बाय सेक्शन 153A prior to amendments made by the Finance Act 21 and not by Section 149(1). In simple words, first proviso to 149(1) introduced by the Finance Act 21 shall not apply to cases of search and seizure under Section 132 and cases of requisition under 132A. Therefore, in case of search and seizure under 132 or requisition under 132A made on or after 1421, the assessment for all or any of the 10 assessment years can be reopened without seeing as to whether they could have been reopened under the old 149(1B) or not, because 149(1B) was not applicable in case of search and seizure. To summarize, to check whether a notice under 148 is not time barred, except in case of search and seizure and requisition, pehle check kariye whether the notice under 148 could have been issued prior to the amendments made with the Finance Act 21. Yes, then naya law lagaiye. Agar purane law mein issue nahi ho sakta tha, to naye law mein bhi issue nahi ho sakta. Abhi sahi example lete hain. पेज 101.4 देखिए. एक्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू नो वेदर रीअसेसमेंट नोटिस कैन बी इश्यूड बाय एयू अंडर 148 फॉर असेसमेंट 10-11 टू असेसमेंट 2021 ऑन 30th December 21. यानी 148 इश्यू करना चाहते हैं 31st December 21 को. असेसमेंट ईयर 18-19 टू असेसमेंट ईयर 2021. सो असेसमेंट 18-19 तीन साल तक कर सकते हैं. 31st March 22
18-19 से 20-21 नोटिस इशू कर सकते हैं 30 दिसंबर 2021 को कितनी भी इनकम एस्केप कर गई हो. सो नोटिस कैन बी इशूड फॉर दीज असेसमेंट ईयर्स अंडर 148 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21-22. हाउएवर ईओ हैज टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमिश्नर डायरेक्टर टू इशू दिस नोटिस. असेसमेंट ईयर 15-16 to 17-18 ओके. इसके लिए ओल्ड लॉ में नोटिस कब तक इशू हो सकता था? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024. इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वॉज 1 लाख और मोर, तो नए लॉ में भी नोटिस इशू हो सकता है इनके लिए. बट नए लॉ में नोटिस इशू तभी होगा इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 50 लाख रुपीज और मोर. सो नोटिस कैन बी इशूड अंडर 148 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21-22 ओनली इफ द ईओ हैज इन हिज पोजेशन एविडेंस व्हिच रिवील दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स which have escaped assessment amounts to 50 lakh rupees or more per assessment year. Moreover, AO को prior approval लेनी पड़ेगी principal chief commissioner, principal director general, chief commissioner or director general to issue this notice. Assessment year 11-12 से 14-15 नए पुराने लॉ में नोटिस कॉट एवन इशूड अपू 31 मार्च 18 6 साल, 31 मार्च 19 6 साल, 31 मार्च 20 6 साल, 31 मार्च 21. तो नए लॉ में सिंस ओल्ड लॉ में ये नोटिस इशू नहीं हो सकता तो नए लॉ में भी इशू नहीं हो सकता. According to section 149(1)(b) as amended with effect from 1st April 21, notice can be issued as stated above only if the AO has information which suggests that income chargeable to tax which has escaped assessment is 50 lakh rupees or more. However, this proposition is subject to the first proviso to section 149(1)(b) which provides that in this case for assessment 11-12 se 14-15 notice cannot be issued under 148 within the parameters of the old section 149(1)(b) as they stood immediately before commencement of the Finance Act 21. तो पहले हम ओल्ड लॉ लगा के देखेंगे कि ओल्ड लॉ के हिसाब से आज नोटिस इशू हो सकता है या नहीं. नहीं हो सकता तो पुराने नए लॉ में भी नहीं कर सकते. नोटिस बियॉन्ड 6 years cannot be issued under the old provisions of 149(1)(b). Consequently, for these assessment years, notice under 148 cannot be issued during the financial year 21-22 even after amendment which is applicable from 1st April 21. However, agar ye search ka case hota ya requisition under 132A ka case hota to 11-12 se 14-15 ke cases khol sakte the if income escaping assessment was 50 lakh or more. 10-11 असेसमेंट ईयर नोटिस कैन नॉट बी इशूड. सो इनफैक्ट मुझे कोई कोरोना वैक्सीन का असर नहीं हुआ था. ये देखिए असेसमेंट ईयर 14-15 जो ओल्ड लॉ था उसके हिसाब से नोटिस कुड हैव बीन इशूड अप टू 31 मार्च 21 यानी 1621 को नोटिस इशू नहीं हो सकता था. तो नए लॉ में भी
नोटिस इशू नहीं हो सकता। तो आप चेक करेंगे पुराना लॉ लगाकर कि पुराने लॉ के हिसाब से क्या आज इस दिन, तो 31 मार्च 2021 को नहीं देखेंगे, आज देखेंगे जिस दिन नोटिस इशू कर रहे हैं। तो जिस दिन नोटिस इशू कर रहे हैं उस दिन देखेंगे कि क्या पुराने लॉ के हिसाब से आज जिस दिन नोटिस इशू कर रहे हैं नोटिस इशू हो सकता था या नहीं। अगर नहीं हो सकता था तो नए लॉ में भी नोटिस इशू नहीं हो सकता है। सो 14-15 ये नोटिस 6 साल तक इशू हो सकता था ओल्ड लॉ में, दैट इज 31 मार्च 2021। सो आज 1-6-21 को एओ नए लॉ में नोटिस इशू नहीं कर सकता, बिकॉज आज पहले हम ओल्ड लॉ लगा के देखेंगे, आज के दिन ओल्ड लॉ के हिसाब से नोटिस इशू नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर नए लॉ के हिसाब से भी नोटिस इशू नहीं हो सकता। एक मैंने एग्जाम का क्वेश्चन चेंज किया आपका, ऑन पेज 129। अच्छा, ये जो हम पुराना लॉ लगाते हैं टू चेक कि पुराने लॉ में नोटिस इशू हो सकता था या नहीं, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर में आप 149(1) भी जो ओल्ड था नहीं लगाएंगे, बिकॉज ओल्ड लॉ में भी सर्च एंड सीजर वॉज नॉट गवर्न बाय 149(1)(b). ऑन 8-12-21 सर्च ऑपरेशन वर कंडक्टेड ऑन बिजनेस प्रमिसेस ऑफ मिस्टर सदानंदन स्टॉक ब्रोकर मुंबई बाय IT ऑथराइज ऑफिशियल्स। अपॉन कंक्लूजन ऑफ सर्च सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एसेट्स विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स परटेनिंग टू वेरियस प्रीवियस ईयर्स वर फाउंड डिटेल्ड एजेंडा। एन एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ फ्लैट इंडिकेटिंग टोटल कंसिडरेशन 100 लाख टूगेदर विद कैश रिसीट्स फॉर 56 लाख चेक रिसीट्स फॉर 44 लाख वेर एज सेल कंसेशन ऑफ 44 लाख यानी 56 लाख ब्लैक में लिया गया है। प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड बाय हिज अंकल इन प्रूफ ऑफ लोन टेकन बाय द असेसिव 28 लाख 52 लाख 59 लाख 54 लाख ये प्रीवियस ईयर दिए हुए। पर्सन टू द अबव डॉक्यूमेंट्स फाउंड द एओ अंडर 148 हैज इशूड notices for all the previous years from 11-12 to 2021 on 26-12-21. अच्छा, मुझे ये अभी करना नहीं चाहिए सॉरी। सो असेसमेंट या 15-16 अगर इनकम एस्केप की है 30 लाख और पता चलता है 1-12-21 को, क्या नोटिस इशू कर सकते? पहले ओल्ड लॉ लगा के देखिए, ओल्ड लॉ के हिसाब से नोटिस कुड हैव बीन इशूड अप टू 6 इयर्स दैट इज 31 मार्च 22। तो ओल्ड लॉ के हिसाब से नोटिस इशू कर सकते हैं। अब हम नया लॉ लगाएंगे, नए लॉ के हिसाब से नोटिस इशू हो सकता है प्रोवाइडेड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 50 लाख और मोर। 50 लाख से कम है, देयरफॉर नोटिस कैन नॉट बी इशूड। सो पेज 100 टू समराइज, सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन के केस में नहीं देखेंगे ओल्ड लॉ। पहले देखिए कि फाइनेंस एक्ट 21 से जो पहले था लॉ उसके हिसाब से नोटिस इशू हो सकता है या नहीं। हो सकता है, फिर आप नए लॉ लगाइए और देखिए नोटिस इशू हो सकता है या नहीं। अगर पुराने लॉ के हिसाब से आज जिस दिन नोटिस इशू करने जा रहे हैं नोटिस इशू नहीं हो सकता था,
तो नए लॉ में भी नोटिस इशू नहीं कर सकते। ये बात बोलती है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1). जो कह रही थी पेज 88 पर, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर 148 शैल बी इशूड एट एनी टाइम, कभी भी नहीं इशू कर सकते, आज भी इशू नहीं कर सकते, इन केस फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट बिगिनिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 21, पुराने साल 1 अप्रैल 21 से पहले, इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इशूड एट ए टाइम ऑन अकाउंट ऑफ बींग बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन 149(1)(d) एज इट स्टूड प्रायर टू अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 21। तो आज की डेट में अगर पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस इशू नहीं हो सकता था तो नए लॉ में भी नोटिस इशू नहीं कर सकते। हाउएवर दिस विल नॉट अप्लाई टू सर्च एंड सीजर एंड रिक्विजिशन, बट सर्वे में लगेगा, ये सर्वे में लगेगा, बिकॉज ओल्ड लॉ में सर्वे में असेसमेंट 147 में होती थी और 149 की टाइम लिमिट्स लगती थी। ओके, पेज 88 थर्ड प्रोविजो देखिएगा। चलिए पहले अब कुछ और कंप्लीट करते हैं जो लास्ट टाइम कर रहे थे, जो लास्ट टाइम कर रहे थे वहां से शुरू करते हैं। ओके, एक हमने इशू छोड़ दिया था वो कर लेते हैं पहले। पेज 93 मैं आपको इस मॉड्यूल में कराऊंगा, एक सेक्शन करेंगे आप सेक्शन 159, जहां अगर फादर की डेथ हो जाती है तो प्रोसीडिंग जो है लीगल हेयर पे चली जाती है। सो अगर फादर की डेथ हो जाती है तो लीगल हेयर पर प्रोसीडिंग चलाई जाती है। जो नोटिस फादर को इशू कर सकते थे वही नोटिस लीगल हेयर को इशू कर सकते हैं। यह बात सेक्शन 159 कहेगा। यहां देखिए क्या कंटेक्स्ट आ रहा है। विपिन वालिया, एक हाईकोर्ट जजमेंट है पेज 93। अ नोटिस अंडर 148 विद ऑर्डर अंडर 148(AD) डेटेड 27 मार्च 22 वॉज एड्रेस टू द असेसी फॉर असेसमेंट या 1819 टू टैक्स द एस्केप्ड इनकम ऑफ ₹30 लाख। नोटिस वैलिड है, 3 साल तक इशू कर सकते हैं, 31 मार्च 22। द नोटिस एंड ऑर्डर अंडर 148(a) गॉट रिटर्न्ड आंसर विद द पोस्टल अथॉरिटीज एंडोर्सिंग ऑन एट द रिमार्क्स असेसी एक्सपायर्ड। नोटिस वापस आ गया, पोस्टल अथॉरिटीज ने रिमार्क लिखा असेसी की डेथ हो चुकी है। लेटर द AO इशूड अ लेटर डेटेड 15/6/22 टू द पेटिशनर सीकिंग डिटेल्स ऑफ द लीगल हेयर सक्सेसर्स ऑफ द डिसीज असेसी टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट 1819। अब AO ने पता किया कि लीगल हेयर्स कौन है। द असेसी बींग वन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज रोड टू द AO पॉइंटिंग आउट डेट द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर 148 वर बार्ड बाय लिमिटेशन। द AO प्रोसीडेड टू मेक द असेसमेंट अंडर 147 विद द असेसी चैलेंज बाय वे ऑफ रेट। द AO इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अंडर 147 अगेंस्ट द डिसीज फॉर असेसमेंट 1819। द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस वॉज 31 मार्च 22। सिंस द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट डिड नॉट अमाउंट टू डिड नॉट एक्सीड 50 लाख मोर ऑन 27 मार्च 22 वेन द नोटिस वॉज इशूड द असेसी वॉज ऑडिटेड डेड। इफ डिपार्टमेंट इंटेंडेड टू प्रोसीड अंडर 147 इट कुड हैव डन सो प्रायर टू 31 मार्च 22 बाई इशूइंग अ नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड बियॉन्ड दैट डेट इट कुड हैव नॉट प्रोसीडेड इन द मैटर इवन बाय इशूइंग द नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। द हाईकोर्ट हेल्ड
द इशू ऑफ नोटिस ऑन द लीगल हेयर इज बियॉन्ड द लिमिटेशन टाइम एंड देयर फॉर द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर इनवैलिड. इसमें एक सेंटेंस ऐड करिए. यहां लिखिए AO issued notice under section 148 read with order under section 148 AD to legal heirs on 30th June 22 for assessment year 1819. ये मिस हो गया मुझसे. ये केस लॉज मैंने थॉरली एडिट किया इस पर न्यू लॉ, तो थोड़ा सा मिस हो गया. तो यहां पहले एओ ने डिसीज को नोटिस इशू किया था 27 मार्च को. वो नोटिस वापस आ गया सेइंग कि असेसी डेड है. अब एओ ने नया नोटिस इशू किया 30 जून 22 को लीगल हेयर. हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिस टू लीगल हेयर could have been issued within the same time it could have been issued to the deceased. Or since income escaping assessment 30 lakh less than 50 lakh hai, notice 3 saal tak issue ho sakta tha 31st March 22. And therefore, the notice is time barred and invalid. हम लास्ट टाइम थे पेज 97 पर. लास्ट क्लास में हम पेज 97 पर थे. जहां हमने कहा था तीन केसेस में इन केसेस में एओ को इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट वो होने की जरूरत नहीं है, ये डीम कर लिया जाएगा उसके पास इंफॉर्मेशन है. और ये कौन से केसेस हैं? फॉर थ्री प्रीवियस ईयर्स. कौन से प्रीवियस ईयर्स? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिसमें सर्च कंडक्ट हुई, सर्वे कंडक्ट हुआ या फिर रिक्विजिशन दी गई. हाउएवर दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल. कहां पर? जहां सर्वे हुआ है टीडीएस टीसीएस का या सर्वे हुआ है सेरेमनी में. सो फॉलोइंग केसेस में यह माना जाएगा कि ईओ के पास इंफॉर्मेशन है फॉर थ्री असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस इन विच द सर्च इज कंडक्टेड, सर्वे इज मेड, रिक्विजिशन इज मेड. जहां सर्च कंडक्ट हुई असेसी पर, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्विजिशन की 132 ए में फेमा वगैरह, जहां सर्वे कंडक्ट हुआ एक्सेप्ट टीडीएस टीसी सर्वे एंड एक्सेप्ट दैट सेरेमनी सर्वे, फोर है. जहां सर्च हुई लॉइन पर और असेसी है जेबरा, लॉइन के पास जो एसेट्स मिले वो प्रूव हो गए कि कुछ जेबरा के एसेट्स है. अब जेबरा का ईओबी 148 इशू करेगा तो जेबरा के एओ को 3 साल के लिए इंफॉर्मेशन मानी जाएगी उसके पास है. और ऐसा ही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉयन जेबरा वाला केस. पेज 98. फॉर एग्जाम्पल असेसर्स नेम इज जेबरा. पेज 98 हमने लास्ट टाइम किया था, फिर भी कर रहे हैं. अ सर्च इज कंडक्टेड अंडर 132 ऑन मिस लॉयन and money, bullion, jewelry, valuable article, thing, books of accounts, documents found in case of loin are proved to be to the satisfaction of the AO that they belong to Zebra, and AO has with the prior approval of principal CIT, CIT to this effect, then notice can be issued to Zebra also under 148 and it shall be deemed that AO has information which suggests that income of Zebra has
escaped assessment for three previous years, immediately preceding the previous year in which the search was conducted, requisition is made. Needless to say that notice shall also be issued to Mr. Loyne under 148, and it shall be deemed that EO has information which suggests that income of Mr. Loyne has escaped assessment for three previous years, immediately preceding the previous year in which the search is made, requisition is made. However, the above deemed satisfaction in all the five cases shall apply only for three previous years, immediately preceding the previous year in which the search is initiated under 132, requisition is made under 132A. For example, if search is started on 30 June 21, yet 29th March 22, and search is completed on 1721 year 2422, then for previous year 2019, that is assessment in 1920 to 2122, it shall be deemed that AO has the information which suggests that income has escaped assessment. If the AO wants to issue notice under 148 in above case, say on 10-7-21, for assessment year 11-12 to 18-19, then he can do so only if he has information which suggests that income has escaped assessment and the income which has escaped assessment, likely to escape assessment for relevant assessment, is 50 lakh or more. यहाँ हम 6 साल वाला नहीं देखेंगे बिकॉज हमने सर्च एंड सीजर का केस लिया है. सो सर्च एंड सीजर और रिक्विजिशन में 149 ओल्ड वाला नहीं लगता था. हाउएवर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट इन 1819. क्यों? बिकॉज 1819 तीन साल 31st March 22, तो 1819 के लिए नोटिस कैन बी इशूड इवन इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज लेस देन 50 लाख. ओके, अब लॉ कहेगा कि 148 इशू करने के लिए आपको 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना होता है. 148 के साथ 148 एडी का ऑर्डर पास करना होता है, अटैच करके भेजना होता है. लॉ कहेगा ये नहीं करना आपने, यानी 148 ए का प्रोसीजर नहीं फॉलो करना आपने. एक मिनट, हमने पेज 97 पे 5 केसेस किए. अब लॉ केस 3 को छोड़कर बाकी सब रिपीट कर देगा. लॉ कहेगा 1, 2, 4 और 5 में एओ को 148 ए फॉलो नहीं करना है. देखिएगा पेज 98, केसेस वेयर प्रोविजंस ऑफ 148 ए शैल नॉट अप्लाई फॉर एनी ऑफ द 10 असेसमेंट ईयर्स व्हिच मे बी रीओपन अंडर 147 बाय इशूइंग द नोटिस अंडर 148, यानी सर्च एंड सीजर के केस में, रिक्विजिशन के केस में, कोई भी साल हो, चाहे 8 साल पुराना हो, 9 साल पुराना हो, आपको 148 ए का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना. सर्वे में फॉलो करना है, सर्वे में फॉलो करना है. सो केसेस वेयर प्रोविजन ऑफ 148 ए विल नॉट अप्लाई, कोई भी 10 साल आप खोल रहे हैं उसके लिए 148 ए नहीं फॉलो करना, ये
ऊपर वाले केसेस हैं सिवाय सर्वे को छोड़कर। यानी सर्वे के केस में प्रोसीजर ऑफ 148 ए नीड्स टू बी फॉलोड। सो केसेस वेयर प्रोविजंस ऑफ 148 ए शैल नॉट अप्लाई फॉर एनी ऑफ द टेनर सस्पेंड ईयर्स। सो दे कैन बी रीओपन सिंपली बाय इशूइंग अ नोटिस अंडर 148, वेयर अ सर्च इज कंडक्टेड अंडर 132, वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड एसेट्स आर रिक्विजिशन अंडर 132 ए, और 3 है सर्च हुई लॉइन पर एसेट्स जेब्रा के पकड़े गए, वेयर सर्च अंडर 132 रिक्विजिशन अंडर 132 इज नॉट कंडक्टेड ऑन द सेसी जेब्रा बट इज कंडक्टेड इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन लॉइन एंड द ईओ इज सेटिस्फाइड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीआईटी सीआईटी। That any money, bullion, jewelry, or other valuable article thing seized or requisitioned under 132, it does not belong to other person, loin ko belong nahi karte, but assessee ko belong karte hain, aur ye hai books of accounts ke liye, loin ka raid hui, books mili zebra ke AO ko de di jayengi, aur zebra ka AO ab 148A issue kar sakta hai without following the procedure of 148A, for example, Assessor's name is Zebra. A search is conducted under 132 on Mr. Loin on 30 June 21 and money, bullion, jewelry, valuable article or thing, books of accounts, documents seized are found in case of search in Mr. Loin are proved to be the satisfaction of the EO that they belong to Zebra. And EO has taken prior approval of principal CIT to this effect. Then notice to Zebra will be issued under 148 for assessment 11-12 to 21-22 without following the procedure laid down in 148A. It may be noted that procedure laid down in 148A has to be followed in any case, in case of any kind of survey under 133A. And in case of any survey, the procedure under 148A needs to be followed for all or any of the 10 assessment years which are to be reopened under 148, provided the EO can issue notice under 148 for that assessment year as per the time limits given in section 149(1). So, ye humne time limits ki thi for issue of notice under 148. So 149 कहता है कि टाइम लिमिट्स फॉर इश्यू ऑफ नोटिस 3 years एनी इनकम बियॉन्ड 3 years बट अप टू 10 years इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 10 lakh or more। फर्स्ट प्रोविशो टू 149(1) कहती है कि जो असेसमेंट ईयर्स ओल्ड लॉ में नहीं खुल सकते, मतलब ओल्ड लॉ लगाकर आज भी नहीं खुल सकते, तो वो नए लॉ लगाकर भी नहीं खुले जाएंगे। अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से आज खुल सकते हैं तो फिर देखेंगे नए लॉ लगा के कि खुल सकते हैं या नहीं। सो टू समराइज, टू चेक वेदर अ नोटिस अंडर 148 इज नॉट टाइम बार्ड except in case of search and seizure and requisition, check whether 148 could have been issued prior to amendment with the Finance Act 21. Yes, तो नए लॉ लगाइए। अगर पुराने लॉ के हिसाब से नहीं खुल सकता था आज, तो नए लॉ के हिसाब से भी नहीं खुल पाएगा। थर्ड प्रोविजो, टू सेक्शन 149(1). So 149(1) lays down the time limits for issue of notice under section 148, 3 years, 10 years. अब देखते क्या कह रहे हैं।
लो थर्ड प्रोविजो टू 149(1) टाइम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 द टाइम एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द सेसी इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड अंडर 148A तो जो आपने शो कॉज नोटिस दिया था 148A में उसमें जो टाइम दिया गया था या टाइम एक्सटेंड किया गया था वो फर्दर बढ़ा देंगे फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर 148 तो जो टाइम लिमिट्स है 149(1) की दे विल फर्दर गेट एक्सटेंडेड बाय द टाइम गिवन टू द सेसी टू शो कॉज अंडर सेक्शन 148A आगे पढ़िए फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 द टाइम एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द असेसी इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड अंडर 148A और द पीरियड ड्यूरिंग विच such proceeding under 148A are stayed by an order or injunction of the court shall be excluded. तो जो 149(1) में time limits दिए हैं for issue of notice वो further extend की जाएंगे किससे one जो time दिया था आपने assessee को show cause notice में 148A में and अगर असेसी ने रिट पिटिशन फाइल कर दी और 148A की प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्टे ले लिया तो जितना पीरियड स्टे इनफोर्स रहा वो पीरियड भी इंक्रीज कर देंगे फॉर डिटरमिनिंग द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 अभी बड़े सारे एग्जांपल करेंगे फर्दर मोर सिंस ऑर्डर अंडर 148AD is to be served along with a notice under 148. If after excluding such period, the time available to the AU for passing the order under section 148AD about fitness of a case for issue of notice under 148 is less than 7 days, then the AU shall be given 7 days to pass the order under section 148AD and time period for issue of notice under 148 shall be increased correspondingly. Abhi pehle aap theoretically samajh lijiye. Practically main samjhaunga aaj hi aapko. Abhi samjhaunga. तो लॉ कह रहा है कि जो टाइम लिमिट है नोटिस इशू करने का 3 साल 10 साल उसे फर्दर इंक्रीज किया जाएगा किस केस से वन जो टाइम दिया गया था शो कॉज करने के लिए अंडर 148A नंबर टू जितना पीरियड असेस ने स्टे ले लिया था कोर्ट से अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर 148A उसके बाद लॉ कहता है कि अगर ये टाइम हटाने के बाद भी एओ को 148AD का ऑर्डर पास करने के लिए 7 डेज से कम मिल रहे हैं तो उसे हम 7 डेज दे देंगे ऑर्डर पास करने के लिए और लिमिटेशन पीरियड फॉर नोटिस विल आल्सो गेट इंक्रीज बाय 7 डेज लॉ की लैंग्वेज देखें पेज 88 टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस ए बी फर्स्ट प्रोविजन कल्पनी सेकेंड प्रोविजन देखिएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर द सेक्शन द टाइम एक्सटेंडेड टाइम
allowed to the assessee as per show cause notice under 148A or the period during which proceeding under 148A is stayed by order or injunction of the court shall be excluded. ये मैंने बताया आपको. Next, अगर ये दोनों time exclude करने के बाद EO को 148A का order pass करने के लिए 7 दिन से कम मिल रहे हैं तो उसे 7 दिन दे देंगे हम और 149 का time period भी accordingly उस 7 दिन से increase हो जाएगा. Provided also that where immediately after exclusion of the period referred in the preceding proviso, the period of limitation available to the AO for passing the order under 148AD is less than 7 days, then the remaining period will be extended to 7 days and period of limitation under this section shall be deemed to be extended accordingly. Examples ke through karte hain, page 101. Let us say, for assessment year 18-19, the EO finds on 1st March 22, old law, check करने की जरूरत नहीं है, old law के हिसाब से 6 साल, 31 मार्च 25, that income of 25 lakh has escaped assessment. So, नए law के हिसाब से notice can be issued up to 3 years, 31st March 22. The AO issues a show cause notice under 148A on 1/3/22. And the assessee is asked to file the reply by 25/3/22. Assessee files the reply on 20th March 22. Check kari lo kya keh raha hai? Time given. Kya keh raha hai kya? The time allowed to the assessee for providing show cause reply. Time allowed kitna tha? 1 March ko notice diya aur aap se kaha reply kariye 25-3. To ye time badega for issue of notice. The assessee files the reply on 20th March 22. An order under 148AD is passed on 10/4/22. Koi dikkat nahi. AO ke paas 7 days hain order pass karne ke liye, kar diya usne. Dekhiye na, reply aa gaya 25 tarikh ko. 25 tarikh ke baad AO has 7 days to pass order. Now time period for issue of notice which was 31st March 22 shall be increased by the time allowed to the assessee in the show cause notice under 148A, which is from 1/3/22 to 25 March 22. Therefore, notice under 148 along with the order under 148AD can be issued up to 25/4/22. 148AD ka order pass karne ka time hai 1 month from the end of the month in which reply was filed. Us time pe file kiya isne, time pe pass kiya hai. Aur ab notice issue kar sakta hai wo 25/22 tak. If in the above case the assessee files a writ petition against the order under 148AD on 15/4/22 and the High Court stays the proceedings under 148 on 15/4/22. Let us say the stay and writ petition is dismissed on 31/5/22. So, what will happen? Jitna period stay raha 15/4/22 se 31/5/22, ye period extend ho jayega. So, time period for issue of notice shall be further increased by 47 days. 15/4/22 to 31/5/22, the notice under 148 can be issued up to 10th June 22. Dekhe na, 25/4/22, uske baad kitne din de rahe hum? 47 days, 6 days hi ho gaye. See, 26, 27, 28, 29, 30, 30/4 tak 5 din ho gaye, 47 days.
मई के हो गए 31, 5, 36, 1 मिनट, रिट पटिशन थी, स्टे मिला था मेरा 15/4/22 को, और स्टे खत्म हो रहा है 31/5/22, तो कितने दिन हो गए, ये अप्रैल के हो गए 16, मई के हो गए 31, 47 days तो हुए, 47 days, सो 25/4 तक नोटिस इशू हो सकता था शो कॉज पीरियड ऐड करने के बाद, इसमें ऐड कर दीजिए आप 26, 27, 28, 29, 30, अप्रैल के हो गए 5 दिन, मई 31, 31st में, पच्चीस चार 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल में, ठीक है 5 दिन, मई के हो गए 31, 36, 11th हुआ, 11 जून 22, सो 148 ए का ऑर्डर पास करने का टाइम होता है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जब रिप्लाई फाइल किया एसएससी ने, यहां तो वो टाइम मिल रहा है एओ को, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 द एओ फाइंस ऑन 1/3/22 इनकम ऑफ 25 लाख एज स्किप्ड असेसमेंट, एओ इश्यूज अ शो कॉज नोटिस अंडर 148 ए on 1/3/22 and assessor is asked to file the reply by 25/3/22. Assessee on 26/3/22 files a writ petition in the High Court against the proceeding under 148A and the High Court stays the proceedings under 148A on 26/3/22. The High Court dismisses the writ petition on 15/5/22 and thus vacates the stay. Ab time badhega. एक तो 25 दिन तो दिए गए फॉर रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस, प्लस स्टे इन फोर्स रहा 26 मार्च से 15 मई तक, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन मार्च के, अप्रैल के 30 दिन और मई के 15 दिन, फिफ्टी वन डे से बढ़ेगा, सो टाइम पीरियड। अच्छा अब देखिए, अब एओ के पास टाइम क्या है फॉर पासिंग द ऑर्डर अंडर 148AD, आपको रिप्लाई फाइल करना चाहिए था कब तक, 25/3/22, आपने नहीं फाइल किया तो इस मंथ के एंड में आ जाइए 31 मार्च, वहां से 1 महीना 30 अप्रैल, यहां एओ को 148A का ऑर्डर पास करना चाहिए था 30 अप्रैल तक, बट पास इसलिए नहीं कर पाया, हाईकोर्ट का स्टे लग गया, अब एओ को 7 दिन दिए जाएंगे टू पास द ऑर्डर, और 7 दिन कब से देंगे, जब स्टे खत्म हुआ, जब स्टे खत्म हुआ, स्टे खत्म हुआ कब, 15/5/22 को, सो एओ अपना ऑर्डर पास करता कर सकता है विद इन 7 डेज, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक। अब टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 वो इंक्रीज हुआ किससे, एक तो जो शो कॉज में टाइम दिया 25 दिन, नंबर टू
जो मेरा स्टे इन फोर्स रहा। नंबर थ्री, जो आपने 7 दिन दिए एक्स्ट्रा एओ को टू पास द ऑर्डर अंडर 148 ए डी। तो देखिए चेक करिए, ठीक है नहीं, 22 से ही 22, 25 अप्रैल तक पहुंचेंगे आप, 25 अप्रैल, 26, 27, 28, 29, 30, 31 मार्च, 22, 25 दिन ऐड करूँ, 25 अप्रैल, इसमें 51 डेज ऐड करूँ, 6 दिन ऐड करूँ, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन ऐड किया तो 30 अप्रैल आ गया, 31 मई, 30 दिन, 31 दिन, 36, 51 माइनस 36, 15th जून, 15 जून और 7, 22 जून, ठीक है, 48 ये प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। सो 148 ए का ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट होती है 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें रिप्लाई फाइल किया या रिप्लाई आना चाहिए था। अभी प्रैक्टिस कराता हूं आपको, बहुत प्रैक्टिस कराता हूं आपको, बहुत कोई भी स्टेप लेने से पहले स्पेसिफाइड अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होता है, 3 इयर्स तक है। तो मैंने बता चुका प्रिंसिपल सीआईटी, सीआईटी डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, 3 से 10 साल, प्रिंसिपल, चीफ सीआईटी, चीफ सीआईटी, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट इन केसेस अदर देन सर्च एंड सीजर एंड अदर देन रिक्विजिशन, यानी अब मैं समराइज लॉ बना रहा हूं सर्च एंड सीजर को छोड़कर और रिक्विजिशन को छोड़कर, यानी सर्वे इंक्लूडेड है यहां पर, सर्वे कवर्ड है। यहां एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे सजेस्ट होता है कि इनकम एस्केप हो गई हो, इंफॉर्मेशन फ्लैग बाय सीबीडीटी एंड सीएजी, सर्वे के केस अदर देन टीडीएस सर्वे, टीसीएस सर्वे एंड वो जो था सेरेमनी वाले सर्वे, उसमें 3 साल, कौन से 3 साल, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द सर्वे वॉज कंडक्टेड, उसमें एओ के पास इंफॉर्मेशन डीम कर ली जाइए है। हाउएवर इन केसेस ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन केस ऑफ असेसी अंडर 133 अदर देन 133A2 टीडीएस टीसीएस सर्वे, 133A5 सेरेमनी सर्वे, द एओ शैल बी डीम टू हैव इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग इनकम चार्ज टू टैक्सेस एस्केप्ड असेसमेंट, but it's only for 3 assessment years immediately preceding the assessment year relevant to the previous in which the survey is conducted. EO analyze karega ki kya notice issue ho sakta hai aaj ki date mein as per the old time limits of the old law which was 6 years tak notice issue ho sakta hai 4 saal baad but up to 6 years इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज 1 लाख और मोर। अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से आज के दिन भी नोटिस इशू हो सकता है, देन एओ चेक करेगा कि अब नए लॉ में नोटिस इशू हो सकता है या नहीं। नए लॉ में 3 साल तक एनी इनकम, 3 साल के बियॉन्ड 10 साल तक 50 लाख और मोर, इफ यस
एओ इंक्वायरी कंडक्ट करेगा 148A में। एओ शो कॉज देगा शशि को 148A में, कम से कम 7 दिन देगा बट मैक्सिमम 30 डेज, किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द नोटिस। असेसी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जो सजेस्ट करती है इनकम एस्केप कर गई है, हम आपको 148 क्यों ना दे, उसका रिप्लाई करें। असेसी एक्सटेंशन सीक कर लेता है, एक्सटेंशन दे दी जाती है, असेसी एक्सटेंशन फाइल नहीं करता। अब असेसी रिप्लाई कर देता है शो कॉज नोटिस को या रिप्लाई नहीं करता, कर देता है तो एओ रिप्लाई देखेगा, मेटल ऑन रिकॉर्ड देखेगा और फिर ऑर्डर पास करेगा 148AD में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज फर्निश्ड। अगर रिप्लाई नहीं करता सेसी तो एओ मेटल ऑन रिकॉर्ड देकर ऑर्डर पास कर देगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टाइम एक्सटेंडेड टाइम पीरियड टू फर्निश द रिप्लाई एक्सपायर्स। अगर केस फिट है फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 तो एओ 148AD का ऑर्डर पास करेगा और नोटिस इश्यू करेगा सेसी को अलोंग विद द ऑर्डर अंडर 148AD। असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व। जो टाइम लिमिट्स हैं ऑर्डर पास करने के 148A के, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द टाइम गिवन टू द असेसी टू फाइल द शो कॉज रिप्लाई एंड हाई कोर्ट से स्टे ले लिया 148A प्रोसीडिंग, अगर वो 7 दिन से कम है तो एओ को 7 दिन दे देंगे हम ऑर्डर पास करने के लिए 148A का। इन हर स्टेप पर ABCDE एओ को अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जो टाइम लिमिट है इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148 शैल ऑल्सो गेट एक्सटेंडेड बाय ए बी अबव एंड 7 डेज एज अफोर्सेड। अगर सर्च एंड सीजर का केस है या रिक्विजिशन अंडर 132A का केस है, 3 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर जिसमें सर्च स्टार्ट हुई रिक्विजिशन हुई, असेसी जिसके ऊपर सर्च हुई, रिक्विजिशन दी गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, या जेब्रा का केस, इन चारों में माना जाएगा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है विच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। और इन 3 साल को छोड़कर बाकी सब सालों के लिए एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी मस्ट है जो सजेस्ट करिए कि इनकम एस्केप कर गई है, इंफॉर्मेशन फ्लैग फ्रॉम फ्लैग बाय सीबीडीटी या फिर सीएजी रिपोर्ट। यहां ओल्ड सेक्शन 149(1) भी चेक नहीं होगा, ओल्ड सेक्शन 149(1) बी नॉट टू बी सीन। सो एओ एनालाइज करेगा कि क्या नोटिस इशू हो सकता है एज पर टाइम लिमिट्स
जो नए लॉ के हिसाब से हैं, और ईओ 148 नोटिस इशू कर देगा, उसे पुरानी टाइम लिमिट्स देखने की जरूरत नहीं है। यहां 148A नहीं फॉलो करना, 148A नॉट टू बी फॉलो। ईओ अप्रूवल्स लेगा जो है, बट यहां 148A इज नॉट टू बी फॉलो। आई होप द समरी इज गुड इनफ। अब जो मैं आपको पास्ट का क्वेश्चन दिखा रहा था वो देखिए, पेज 129, ऑन 8/12/21 such operations were conducted on business premises of Mr. Sadanand, a stockbroker in Mumbai, by IT authorized officials. Upon conclusion of search, certain documents, assets which were not recorded in books of accounts pertaining to various previous years were found detailed as under. Ye assets paye gaye. Pursuant to above documents, assets found, the EO under 148 of the Income Tax Act has issued notice for all previous years from 11/12 to 2021 on 26/12/21. और यहां EO ने 148A का प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, करना ही नहीं उसे। सर्च एंड सीजर में किसी भी साल के लिए 148A फॉलो नहीं होगा। ये साल खुल सकता है, यस 50 लाख और मोर। ये साल नहीं खुल सकता, लेस देन 50 लाख। ये साल खुल सकता है 50 लाख और मोर, यस यस। या हम पुराना 149(1) भी नहीं चेक करेंगे, सर्च एंड सीजर का केस है ये। सो एओ इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर 148A फर्दर। First proviso to 149(1) introduced by the Finance Act 21 is not applicable in case of search seizure. Therefore, new provisions के हिसाब से क्या होगा? 11/12, assessment 12/13, notice issue नहीं हो सकता। क्यों? Income कितनी है? 28 lakhs। Previous 12/13 हो सकता है, 13/14 हो सकता है, 15/16 प्रीवियस 14/15 तो पकड़ी नहीं गई इनकम, तो इसको नहीं खोल सकते आप। 16/17 प्रीवियस ईयर 15/16 खोल सकते हैं, 54 लाख कर सकते हैं, 18/19 नहीं खोल सकते, इनकम एस्केप नहीं की। और ये तीन पिछले साल खोल सकते हैं बिकॉज डीम करेंगे कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है। तो मैंने एक पुराने क्वेश्चन को नए लॉ के हिसाब से ढाला है। चलिए balance break. PG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Who doesn't see as a trusted qualification for skilled professionals? With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACC ensures faster progression in your career. Can we please start the class? So, नए लॉ की चिंता मत करिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरा लॉ अच्छी तरह से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सपोज
असेसमेंट ईयर 18-19 है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 30 लाख है, एओ ने 148 नोटिस बनाया, 148 ए ऑर्डर भी इसमें इंक्लोज्ड है, और ये नोटिस की डेट है 31-3-22, विद इन 3 ईयर्स है, वैलिड है। एओ इसे पोस्ट करता है 7-4-22 को, और असेसी को ये मिलता है 8-4-22 को। क्या ये नोटिस वैलिड है? यानी डेट ऑफ इशू नोटिस आपको 3 इयर्स 10 इयर्स में इशू करना होता है। इशू का मतलब क्या होता है? इज इट द डेट ऑफ द नोटिस, या जिस दिन एओ नोटिस पोस्टमास्टर को देता है? पेज 109, वुड द वर्ड्स शैल बी इशूड यूज इन 149 मीन्स मेयर साइनिंग ऑफ द नोटिस बाय द एओ, या फिर हैंडिंग ओवर द नोटिस इन द हैंड्स ऑफ प्रॉपर ऑफिसर फॉर सर्विंग टू द असेसी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड नोटिस इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। सो कोर्ट ने कहा जो आपने डेट डाली नोटिस पर, दैट इज नॉट द रेट ऑफ इशू। जिस दिन आपने पोस्टल अथॉरिटीज को हैंडओवर किया वो माना जाएगा डेट ऑफ इशू। इन द प्रेजेंट केस द असेसी फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 ऑन 8 अप्रैल 22, 3 साल बाद। द असेसी रिसीव्ड अ नोटिस अंडर 148 डेटेड 31 मार्च 22 फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम रिलेटिंग टू असेसमेंट 18-19 अंडर 147 ऑफ 20 लाख। द असेसी ऑन इंक्वायरी फ्रॉम लोकल पोस्ट ऑफिस फाउंड दैट डिपार्टमेंट हैड सेंड द कवर्स फॉर इशूइंग नोटिस टू द स्पीड पोस्ट सेंटर ओनली ऑन 7 अप्रैल 22 ऑन नॉट एंड नॉट ऑन 31 मार्च 22, एंड द रेवेन्यू डिड नॉट चैलेंज द फाइंडिंग ऑफ द असेसी। द असेसी देयरफॉर चैलेंज, तो नोटिस को कैसे चैलेंज करते हैं? थ्रू अ रिट पिटीशन। द असेसी देयरफॉर चैलेंज द लीगैलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस डेटेड 31 मार्च 22 इशूड बाय द डिपार्टमेंट अंडर 148 हैज बीन टाइम बार्ड, कंटेंडिंग दैट द इम्पंज नोटिस हैज बीन इशूड बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 149(1), दैट इज आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। द असेसी कंटेंडेड द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर 148 वुड बी द डेट ऑन विच द सेम हैज बीन डिस्पैच्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, दैट इज 7 अप्रैल 22 and not the date of signing by the AO. In the present case, the notice has been signed on 31st March 22, whereas it was sent to the speed post center only on 7th April 22, held. Mere signing of the notice on 31st March 22 cannot tantamount to issuance of notice as contemplated under 149. The date of issue would be the date on which the same was handed over for service to the post of proper officer, which in fact of the present case with the date on which the said notice was actually handed over post office for effecting the service. Hence, the date of issue is 7th April 22 and not 31st March 22, and therefore the notice is beyond the time period of 3 years and therefore it's time barred and invalid. मैंने बताया था लॉ में जो नोटिस को भेजने का टाइम है, दैट इज फॉर इशू ऑफ नोटिस, नॉट फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म की थी। देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्ड्स इशू एंड सर्व। 149(1) लेज डाउन द टाइम लिमिट्स फॉर इशू ऑफ नोटिस। देयरफॉर इफ नोटिस इज इशूड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर 149(1) एंड इज सर्व्ड आफ्टर दैट डेट, इट इज स्टिल अ वैलिड नोटिस। कुछ इलस्ट्रेशंस देखिए। For assessment year 18-19,
assessment was completed under 143.3 on 30th 11 19 at 10 lakh. The EO receives information that income of 20 lakh has escaped assessment for assessment 18-19 and issues a notice under 148 along with the order under 148A on 30 June 22. If I old law lagaun, तो नोटिस 6 साल तक इशू हो सकता है. न्यू लॉ के हिसाब से नोटिस कैन बी इशूड अप टू 3 ईयर्स. दैट मीन्स 31st March 22. देयरफॉर द नोटिस इज टाइम बार्ड एंड इनवैलिड. क्वेश्चन 2. फॉर असेसमेंट या 17-18, असेसमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31st March 18 अंडर 144 एट 5 लैख. The EO receives information that income of 60 lakh for 17-18 has escaped assessment. Our notice issue karta along with the order on 14-6-22. Agar main old law lagaun, to notice can be issued up to 31st March 24. New law lagaun, to notice can be issued up to 31st March 28. Therefore, the notice is valid aur ye notice since 3 saal baad issue ho raha hai. This notice can be issued with a prior approval of principal CCIT, Director General or Principal Director General. For assessment year 17-18, assessment was completed on 31-12-18 under 143.3 at 60 lakh. The EO receives information that income of 9 lakh has escaped assessment for 17-18. And issues notice under 148 along with the order on 31-7-22. Income escape kitne 9 lakh. Old law mein notice could be issued up to 6 years, but new law mein the notice can be issued up to 31st March 21, 3 years, and therefore it's time barred and invalid. 4. For assessment year 14-15, assessment was completed on 31-12-15 under 143.3 at 20 lakh. The EO receives information at income of 60 lakh has escaped assessment for 14-15. Our notice issue kar raha hai 4-8-21 ko. Old law mein notice could have been issued up to 31st March 21, 6 years, and therefore this notice cannot be issued under the new law. As per 149.1, the notice under 148 could have been issued for the relevant assessment year if 3 years but not more than 10 years have lapsed from the end of the relevant assessment year. So yahan notice issue ho sakta 31st March 28 tak, lekin first proviso to 149.1 kehti hai ki no notice under 148 shall be issued at any time in case of assessment year 21-22 and earlier assessment year. If such notice could not have been issued at that time on account of being time barred under the old 149.1b. As per the earlier provisions, the notice could have been given up to 6 years, that is 31st March 21. Therefore, this notice is time barred and invalid. For assessment year 15-16, assessment was completed on 31-12-16 under 144 at 10 lakh. EO receives information that income of 50 lakh has escaped assessment, exact 50 lakh, 10 years. For assessment of 15-16, nay law mein, old law mein, notice could be issued up to 6 years, 31st March 22. Aur yahan EO notice issue kar raha hai 4-6-21 ko. Aur ultimately jab income assess hoti hai, wo 49 lakh hoti instead of 59 lakh. Instead of 50 lakh, तो क्या वैलिड है या नहीं? लॉ कहता है इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू, तो यहां लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख था, तो नोटिस 10 साल तक इशू हो सकता था एंड देयरफॉर नोटिस इज वैलिड. सर्च हुई, ड्यूरिंग द सर्च ये इनकम मिली. यहां हम ओल्ड लॉ चेक नहीं करेंगे बिकॉज ओल्ड लॉ में सर्च वॉज नॉट कवर्ड. तो देखिए कौन से साल खोल सकते हैं,
ये तो 3 साल। अब नोटिस इशू हो रहा है, सर्च कंप्लीट हुई 2/7/21 को, एओ ने नोटिस इशू किया है 15/8/21 को। ये कर सकता है, 3 साल कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और ये कर सकता है। एओ इश्यूज नोटिस अंडर 148 टू मिस्टर एक्स ऑन 15/8/21 टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 13/14/15/16/16/17/17/18/18/19/19/20/21/22। देखिए सर्च से जो जिस साल सर्च हुई उसे प्रिसीडिंग 3 साल 21, 20, 19, इन 3 साल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो ये डीम किया जाता है इंफॉर्मेशन है उसके पास। सो प्रीवियस ईयर 20, 21 यानी असेसमेंट ये 21, 22, असेसमेंट ये 20, 21, 19, 20, इसके लिए उसके बाद डीम किया जाएगा कि इंफॉर्मेशन है कि इनकम एस्केप कर गई है, ये नोटिस तो दे ही सकता है और इनमें से दे सकता है फॉर 13/14, 16/17, 18/19। एक्स ऑब्जेक्ट्स टू इश्यूज ऑफ नोटिस बाय द एओ with respect to assessment in 19/20, 20/21, 21/22, as the EO does not have information with respect to the escapee of these 3 years, जरूरत ही नहीं है। तो सर्च से जो 3 पुराने साल हैं उसमें तो डीम किया जाता है कि EO के पास इंफॉर्मेशन है। 148 हम कह रहे हैं, लॉ कहता है कि पिछले 3 साल जिस साल में सर्च हुई उसके लिए माना जाएगा कि EO has deemed information accordingly, assessment year 21-22, 20-21, 19-20 ये validly opened है। अब बाकी साल तो ये 3 साल valid है, ये deem किया जाएगा कि उसके पास information है 18-19, ये तो 3 साल तक खुल सकता है। ठीक है 17-18 खुल सकता है 50 लाख और मोर, 16-17 17-18 नहीं खुल सकता क्योंकि 50 लाख से कम है। 16-17 खुल जाएगा, 15-16 नहीं खुल सकता और 13-14 खुल जाएगा। और आपको अप्रूवल्स लेने हैं अथॉरिटीज के, इलस्ट्रेशन 7 कीपिंग अदर फैक्ट्स ऑफ द इलस्ट्रेशन 6 एज सेम। अगर सर्वे इनिशिएट होता इंस्टेड ऑफ सर्च फिर क्या होता, फिर तो सर्वे में भी ये एज्यूम किया जाएगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन, ये 3 साल खोल सकते हैं। ठीक है 18-19 खोल सकता है 3 साल तक, 17-18 नहीं खुल सकता बिकॉज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लेस देन 50 लाख है। 16-17 खुल सकता है मोर देन 50 लाख है, 15-16 खुल सकता है मोर देन नहीं खुल सकता लेस देन 15 लाख है, 13-14 नहीं खुल सकता क्योंकि हम सर्वे के केस में 149(1) भी पुराना वाला लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरे कंसेप्ट पॉलिश हो रहे हैं आपके। द आंसर वुड चेंज ओनली विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट एट 13-14 एज फर्स्ट प्रोविजो
to section 149(1) will apply. Accordingly, as per provisions of 149(1) applicable, up to 31st March 21, the notice under 148 could have been issued for assessment year 13-14 only up to 31st March 20. Therefore, notice issued on 30th June 21 is time-barred invalid. In case of survey under 133, it shall be deemed that AO has information suggesting income has escaped assessment. In our case, assessment in 1920, 2021, 2122. However, unlike in illustration 6, the AO has to follow the procedure under 148A before issuing the notice under 148 in the present case. Next, dekhiyega. A search is initiated on 5-3-22 at premises of Mr. X. The same is completed on 5-4-22. Pichle 3 saal kaun se honge? 21, 20, 19. Jiske liye AO ke paas deemed information mani jayegi. The AO finds information suggesting income chargeable to tax escaping assessment is only for assessment 17-18, which is 58 lakh. So 17-18 to khul sakta hai ab 10 saal tak. However, he issues notice under 148 on 9-4-22 for assessment 17-18 as well as assessment 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 without conducting an inquiry or providing an opportunity being heard to the assessee. 148A follow nahi kar raha. Further proper approvals from specified authority have been taken for all years. So, ab dekhiye. AO khol raha hai. Assessment is 17-18. 18-19. 19-20. 2021, 21-22. इन 3 साल के लिए तो माना जाएगा कि AO के पास डीम इंफॉर्मेशन खोल सकता है. ये साल इसलिए खोल सकता है 50 लाख से ऊपर है, ये साल नहीं खुल पाएगा. क्यों नहीं खुल पाएगा? क्योंकि यहां पर AO के पास इंफॉर्मेशन नहीं है. सो इंफॉर्मेशन ओनली मस्ट है which suggests that income has escaped assessment. और इन सभी सालों के लिए AO को 148A follow नहीं करना. और अगर survey होता तो क्या होता? अगर survey होता तो भी answer same रहता, तो भी answer same रहता. सिर्फ AO को 148A का प्रोसीजर फॉलो करना होता. एज पर प्रोविजन टू 148A, द प्रोविजंस ऑफ 148A शैल नॉट अप्लाई फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन केस वेयर सर्च अंडर 132 हैज बीन कंडक्टेड इन केस ऑफ असेसिंग. तो 148 फॉलो नहीं करना आपको. अकॉर्डिंगली द AO इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर 148AD टू द असेसी. उसे शो कॉज देना ही नहीं है. फॉर असेसमेंट इन 1920, 2021, 21-22 इट शैल बी डीम्ड दैट AO हैज इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट एंड देयरफॉर नोटिस अंडर 148 कैन बी इशूड. Notice cannot be issued for assessment 18-19 because AO does not have information which suggests income has escaped assessment. For 17-18, notice can be issued up to 31st March 28 and therefore it's valid. Or agar ye survey ka case hota, to since 148A follow nahi kiya gaya hai, sare notices invalid ho jate. The notices under 148 would become invalid for all the assessment years
as in case of survey under 133A, procedure under 148A needs to be followed before issuing a notice under 148. So, आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे क्वेश्चंस बनाए ये वाले. टू, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, AO receives information on 5322 that income of 32 lakh has escaped assessment. He issues show cause notice under 148AB to the assessee. After conducting inquiry on 15-322, ये show cause दे रहा 15 मार्च को, asking him to reply by 22nd March 22. The notice is served on the assessee on 19-322. Assessee could not furnish the reply by the due date and the AO passes the order under 148AD and serves the same along with the notice under 148 to the assessee on 2-4-22. Assessee contends that AO has not followed the procedure under 148A and he was not given sufficient time to reply to the notice. आप देखिए नोटिस इशू किया 15-3-22 को और आपसे कहा रिप्लाई दीजिए 22-3-22 को. 16-17-18-19-20-21-22 सेवन डेज दिए गए. सो AO को मिनिमम 7 डेज देने होते हैं, वो दिए उसने एंड देयरफॉर प्रॉपर टाइम माना जाएगा. 148A प्रोसीडिंग वैलिड है. The contention of assessee is incorrect. The AO is required to give time to the assessee to furnish his reply within a period which shall not be less than 7 days from the date on which the notice is issued by him. Achha. Ab notice kab tak issue ho sakta hai? Ek to 50 lakh se kam income hai. To 3 saal. 31st March 22. इसमें ऐड करेंगे आप क्या जितना टाइम दिया गया था टू रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस. 8 डेज बिकॉज डेट ऑफ इश्यू से लेकर जो टाइम दिया गया था टू रिप्लाई वो एक्सटेंड करते हैं. Notice under 148 can be issued up to 31st March 22 plus date of issue से लेकर जितना time दिया गया था reply करने के लिए 8 days वो add कर देंगे. Hence the notice under 148 and order under 148AD served on the assessee on 2-4-22 are valid. लॉ कहता है फॉर द टाइम अलाउड टू द असेसी एज पर शो कॉज नोटिस इशूड विल बी एक्सटेंडेड. सो इशू तो हुआ है कब 15 मार्च को. सो 15-16-17-18-19-20-21-22 8 डेज हो गए. एज पर प्री अमेंडेड सेक्शन 149(1)(b) notice under 148 could have been issued up to 31st March 25, 6 years. And therefore, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. Illustration 3. For assessment year 18-19, the AO receives information on 10th March 22 that income of 10 lakh has escaped assessment. Old law में 6 साल 25. The AO issues show cause notice under 148A to assessee on 11-3-22, which is received by him on 14th March 22. The AO gives time to the assessee to furnish a reply to the notice by 25-3-22.
द असेसी फर्निशेस द रिस्पॉन्स टू द नोटिस बाय 23/3/22. द एओ पासेस ऑर्डर अंडर 148 AD ऑन 5/4/22 विद इन वन मंथ पास कर दिया एंड सर्व्स इट अलोंग विद द नोटिस अंडर 140 टू द असेसी ऑन 7/4/22. असेसी कंटेंट्स एंड नोटिस इज टाइम बार इनवैलिड. आपका टाइम है 31/22. दे विल बी एक्सटेंडेड बाय 11/22 से लेकर 25/5 22. That is 15 days, 15/4/22, and therefore the notice is valid. एक मिनट. हमने जो पहले भी कितना शो बस 30/4 को इशू किया था. अच्छा एक मिनट. हमने पेज 101 पर सही तो किया था, शो कॉज नोटिस दिया था 1/3/22 को और रिप्लाई करने को किया था 25/22. हमने वही टाइम एक्सटेंड किया है. कंसिस्टेंट चल रहे हैं बिल्कुल. क्वेश्चन 4 देखिएगा. ऑन 20/2/22 द एओ इश्यूज अ शो कॉज नोटिस अंडर 148A to X as to why notice under 148 should not be issued on the basis of information which suggests income of 40 lakh has escaped assessment for assessment 18-19. X ko reply karna 10 days ke andar and no extension is given. After considering the reply of X Limited, the असेसिंग ऑफिसर करिए, असेसिंग ऑफिसर लिखो, मेक इट असेसिंग ऑफिसर. द असेसिंग ऑफिसर, टाइपिंग मिस्टेक, असेसिंग ऑफिसर पासेस एन ऑर्डर अंडर 148 AD विद प्रायर अप्रूवल PCIT इंडिकेटिंग दैट दिस वॉज अ फिट केस फॉर इश्यू ऑफ नोटिस ऑन 148 अलॉन्ग विद द ऑर्डर अंडर 148 AD. EO issues a notice on 6/2/22 under 148 for reassessment in the above said case. X want to know ki notice valid hai ya nahi. 18-19 income escape ki hai 40 lakh 3 saal 31/2/22 tak issue kar sakte the aur assessee ko jo time diya gaya 10 दिन वो एक्सटेंड कर देंगे 10/2/22 तक नोटिस इशू हो सकता था एंड देयरफॉर द नोटिस इशूड ऑन 6/2/22 इज वेरी मच वैलिड. फाइव, for assessment year 18-19, the AO receives information on 23/22 that income of 20 lakh has escaped assessment for assessment 18-19. He issues a show cause notice to the assessee under 148A on 27/22 to furnish the reply by 25/4/22. The assessee files the reply on 4/4/22. What is the time period जिसमें EO को order pass करना है 148 AD का और notice भेजना है assessee? So
आपको रिप्लाई देना था 25/4/22 को, उसके एंड ऑफ द मंथ में आइए, ऑर्डर पास हो सकता है 31 मई 2022 तक, ऑर्डर अंडर 148A। तो टाइम लिमिट टू पास एन ऑर्डर अंडर 148A इज 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड, दैट इज 31 मई 22। हाउएवर टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस अंडर 148 विल बी 31 मार्च 22 प्लस जितना टाइम दिया गया आपको शो कॉज करने के लिए 30 अप्रैल 22 तक। सिंस नोटिस आपने सर्व किया है, सिंस द नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर 148A, ऑर्डर अंडर 148A शुड बी पास्ड बाय 30 अप्रैल 22। तो यहां तक नोटिस भेजने की लिमिट यह है, तो ईओ मस्ट पास द ऑर्डर अंडर 148A बाय दिस डेट ओनली। उसे रिप्लाई कब मिल रहा है? उसे रिप्लाई मिला है 4/4/22, 7 दिन है उसके पास। हाँ, तो ईओ इन दिस केस शुड पास जो 148 का नोटिस है दैट कैन बी इशूड ओनली अप टू 30 अप्रैल 22। तो यहां ऑल दो 148A ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय 31/5/22, बट कोई फायदा नहीं है उसका। सो इन दिस केस द ऑर्डर अंडर 148AD शुड बी पास्ड बाय बिफोर ऑन बिफोर 30 अप्रैल 22 ओनली। However, since the time period for passing the order under 148AD is less than 7 days on 25/4/22, the order under 148D can be passed, and accordingly नोटिस कैन बी इशू अपू 2/5/22। तो हमने किया था ना कि अगर टाइम 7 दिन से कम मिल रहा है, तो देखिए 25 तारीख को रिप्लाई मिला, 26, 27, 28, 29, 30 से 5 दिन मिल रहे हैं उसे ऑर्डर पास करने के लिए। तो हमने कहा था कि अगर जो टाइम मिल रहा है ऑर्डर पास करने के लिए 7 दिन से कम है, तो 7 दिन कर दिए जाएंगे। तो अब दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय 2/5/22, और नोटिस का भी टाइम बढ़ के 2 दिन बढ़ जाएगा 2/5/22। सो बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए मैंने, ये बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए मैंने, बट एक बार करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब एक बार अच्छी तरह रिवाइज करते हैं। ₹147 रीअसेसमेंट कितनी बार भी हो सकती है, page 85। 147 में ईओ असेसमेंट रीअसेसमेंट करेगा उस साल की जिसकी इनकम एस्केप कर गई है, उसके लिए 148 सर्व करेगा आपको, सर्व करना मस्ट है, सर्व चाहे टाइम लिमिट के बाद हो रहा है। और 148 एक प्रोसीजर फॉलो करेगा, जब वो असेसमेंट कर रहा है आफ्टर गिविंग 148A ऑर्डर, उसे उसी साल की कोई और इनकम भी मिलती है जो इंफॉर्मेशन में नहीं थी, जो 148A के ऑर्डर में नहीं थी, तो लॉ कहता है वो उसको भी असेस कर सकता है without giving a fresh notice under 148 and without following the procedure under section 148A.
148 में आपको नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस ईशो टाइम पे होना चाहिए, सर्व बाद में भी हो सकता है, सर्विस मस्ट है। एओ असेसमेंट रीअसेसमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक नोटिस सर्व ना हो जाए। आपको नोटिस सर्व करेगा, 148 ए का ऑर्डर सर्व करेगा। इस नोटिस में आपसे कहेगा कि रिटर्न फाइल करिए फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और अपने सही इनकम बताइए। लॉ कहता है ये नोटिस तभी इशू हो सकता है अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है जो सजेस्ट करती है कि इनकम एस्केप करिए असेसमेंट फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फिर लॉ कहता है इंफॉर्मेशन जो सजेस्ट करती है कि इनकम एस्केप कर गई है फॉर रेलेवेंट असेसमेंट, इट मींस इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड बाय सीबीडीटी यूजिंग द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी या फिर सीएजी की फाइनल रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं कि असेसमेंट गलत हुई है। फिर लॉ कहता है एक्सप्रेशन टू, सर्च रिक्विजिशन सर्वे जब ये होते हैं कंडक्ट होते हैं, सपोज 30 जून 2021 को हुए तो जो प्रीसीडिंग थ्री प्रीवियस ईयर्स है, प्रीवियस है 21 सर्च कंडक्ट हुई, सर्वे कंडक्ट हुआ, रिक्विजिशन हुई 30 जून 2021 को, तो जो पिछले 3 साल हैं 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 उसके लिए एओ को एज्यूम कर लिया जाएगा उसके पास डीम्ड इंफॉर्मेशन है कि इनकम एस्केप कर गई है। ये कौन कौन से केसेस है, 1 जहां सर्च हुई, 2 जहां रिक्विजिशन हुई 132 में फेमा वगैरह वाला, नंबर 3 सर्वे हुआ, सर्वे एक्सेप्ट टीडीएस सर्वे एंड सेरेमनी सर्वे, चौथा सर्च लॉइन पर हुई है, असेसी जेब्रा है और लॉइन के पास जो एसेट्स पाए गए वो जेब्रा के माने गए विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीआईटी सीआईटी। तो अब जेब्रा पर भी 147 होगी और पिछले 3 साल लॉइन पर भी होगी, तो लॉइन जेब्रा के केस में 147 होगी और प्रीवियस ईयर 21 2019 इंफॉर्मेशन नहीं भी है एओ के पास, एज्यूम करेंगे इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही रेड हुई लॉइन के ऊपर, असेसी जेब्रा, बुक्स मिली जेब्रा की प्रूव हो गई, तो अब असेसमेंट जेब्रा पे भी की जाएगी 147 में और एंड प्रीवियस ईयर 21 2019 एज्यूम किया जाएगा कि इंफॉर्मेशन है एओ के पास कि इनकम एस्केप कर गई है। 148 ए कहता है कि एओ इंक्वायरीज कंडक्ट करेगा अगर रिक्वायर्ड है, आपको शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस में आपको कम से कम 7 डेज दिए जाएंगे, मैक्सिमम 30 डेज, टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपका रिप्लाई देखकर शो कॉज की नोटिस में एओ 148 ए का ऑर्डर पास करेगा, हर स्टेप में उसे अप्रूवल लेनी होती है स्पेसिफाइड अथॉरिटी और डिसाइड करेगा कि केस फिट है खुलने के लिए 148 में या नहीं। उसे ये ऑर्डर पास करना होता है विद इन 30 डेज, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड, या फिर रिप्लाई आना चाहिए था आया नहीं। 148 ए बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा, ये प्रोसेस तो फॉलो नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ सर्च रिक्विजिशन और जेब्रा लॉइन वाला केस। कितने भी साल खोल रहे हैं 10 साल तक, ये प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा, लेकिन सर्वे में फॉलो किया जाएगा। ये प्रोविजन है, टाइम लिमिट से इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू कर सकते हैं 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कितने भी इनकम एस्केप हो गई हो 3 साल बाद, 10 साल तक नोटिस इशू हो सकता है अगर इनकम एस्केपिंग 50 लाख और मोर है, अमाउंट टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख और मोर, अमाउंट टू और लाइकली टू अमाउंट मतलब है कि अगर जब इनकम पकड़ी गई 50 लाख थी, उससे ज्यादा थी बट अल्टीमेटली असेस हुई 48 लाख,
तो भी माना जाएगा कि केस 10 साल तक खुल सकता है। लॉ कहता है आज की तारीख में पुराना लॉ लगा के देखिए, जो 6 साल तक केस खुलने देता था, अगर आज की तारीख में पुराने लॉ के हिसाब से केस नहीं खुल सकता तो नए लॉ में केस नहीं खुल सकते। बट ये प्रोविजन नहीं लगेगी सर्च सीजर एंड रिक्विजिशन में, सर्वे में लगेगी। पुराने लॉ में सर्च सीजर रिक्विजिशन में 147 नहीं होता था, 153 में असेसमेंट हुआ करती थी। ये जो टाइम पीरियड है नोटिस इशू करने के बढ़ाए जाएंगे, वन जो शो कॉज नोटिस में टाइम दिया गया आपको 148 में, नंबर टू अगर प्रोसीडिंग ऑफ 148 कोर्ट ने स्टे कर दी थी, स्टे पीरियड, एंड नंबर थ्री अगर 148A को ऑर्डर पास करने का टाइम होता है 31 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई इज रिसीव्ड, अगर 7 दिन से AO को कम टाइम मिल रहा है फॉर पासिंग द 148A ऑर्डर तो AO को 7 दिन दे दिए जाएंगे फॉर पासिंग द ऑर्डर, और जो टाइम लिमिट है वो अकॉर्डिंगली बढ़ा दी जाएगी नोटिस की। तो जो मैंने समरी बनाई ये पूरा एनालिसिस देखिएगा, बहुत अच्छा एनालिसिस है ये, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं ये, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये। प्रोसीजर अदर देन सर्च एंड सीजर, अदर देन रिक्विजिशन, सर्वे में भी फॉलो किया जाएगा। AO के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्रूफ करती है इनकम एस्केप कर गई है, CBDT फ्लैगिंग, CAG रिपोर्ट। लेकिन सर्वे के केस में जिस साल सर्वे हुआ उसे पिछले 3 साल AO के पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो यह डीम किया जाएगा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यहां आप ओल्ड लॉ लगाएंगे जिस दिन नए लॉ में नोटिस इशू करने जा रहे हैं। अगर ओल्ड लॉ जो था कि 6 साल के बियॉन्ड केसेस नहीं खुल सकते, अगर उसके हिसाब से आज की डेट में केस नहीं खुल सकता तो नया लॉ भी नहीं लगेगा, केस खुल ही नहीं सकता। अगर ओल्ड लॉ के हिसाब से केस खुल सकता है फिर आप नया लॉ लगा के देखिए कि नए लॉ के हिसाब से केस खुल सकता है, अगर खुल सकता है तो खुल सकते। यहां 148A का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, असेसी को मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 30 डेज देंगे सुनवाई के लिए, और AO अपना 148A ऑर्डर पास करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई वॉज रिसीव्ड, और रिप्लाई आना चाहिए तो आपने दिया नहीं। AO ऑर्डर पास करेगा 148A में और 147 की असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड। 149(1) में टाइम लिमिट जो है वो इंक्रीज की जाएंगी, किससे, वन जो टाइम शो कॉज नोटिस अंडर 148 में दिया गया असेसी को सुनने के लिए, टू जितना स्टे पीरियड रहा 148A के अगेंस्ट, और अगर AO को 148A का ऑर्डर पास करने के लिए लेस देन 7 डेज मिल रहे हैं तो उसे 7 डेज दे देंगे, एंड अकॉर्डिंगली नोटिस का पीरियड भी उस टाइम से भी बढ़ जाएगा। अगर सर्च एंड सीजर केसेस हैं, रिक्विजिशन के केसेस हैं, 3 साल, 3 previous years प्रायर टू द प्रीवियस इन विच सर्च इज कंडक्टेड, AO को कुछ नहीं प्रूव करना, खोल सकता है केस। और ये जो 3 साल है या 7 साल है, जो भी केसेस खोलेंगे उसमें 148A का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। पुरानी टाइम लिमिट्स जो थी 149 की वो भी चेक नहीं की जाएंगी।
आप सीधी नई टाइम लिमिट देखिए, 3 years 10 years वाली. दैट्स ऑल. और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया था वो, जहां नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड आया 30 अप्रैल और 148A ऑर्डर पास करने का टाइम पीरियड 31/5, बट नोटिस के साथ ही ऑर्डर जाता है, इसलिए ऑर्डर अंडर 148A शुड बी पास बाय 34/23 ओनली. बट यहां पर रिप्लाई आया 25/4 को, एओ को मिल रहा है 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन मिल रहे हैं ऑर्डर पास करने के, लेस देन 7 डेज है, तो 2 दिन बढ़ा देंगे और नोटिस इशू करने का टाइम भी 2 दिन और बढ़ जाए. मैंने पास से क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश की, जितना कर पाया कर दिए मैंने. पेज 127 पर एक क्वेश्चन है, पुराने लॉ में था, मैंने नए लॉ के हिसाब से आंसर करने की कोशिश की है. पेज 127, द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ राम भरोसे एंड रेजिडेंस ऑफ टू ऑफ द डायरेक्टर्स एट दिल्ली वर सर्च्ड अंडर 132 ऑफ द एक्ट बाय डीडीआई दिल्ली. The search was initiated on 9/6/21, concluded on 9/8/21, and the following were seized. Papers found in drawer of an accountant relating to Shri Krishna Limited, Mumbai, indicating details of various business transactions. However, Ram Bharose Limited is not having any direct, indirect connection of any nature with these transactions and Shri Krishna लिमिटेड और इट्स डायरेक्टर्स. सो ये जेब्रा वाला केस हो गया, लॉइन की रेड हुई, जेब्रा के पेपर्स मिले अकाउंटेंट की डॉट से, ज्वेलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम बेडरूम ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर विच वॉज क्लेम बाय हिम टू बी ऑफ हिज मैरिड डॉटर. पेपर्स रिकॉर्डिंग सर्टेन ट्रांजेक्शन ऑफ इनकम एक्सपेंसिस हैविंग डायरेक्ट नेक्सस with business of the company from 16/4/18 to the date of search. It was admitted by director that transactions recorded in such papers have not been incorporated in the books. आपको आंसर देना है कि action of DDI, what action the DDI will take in respect of seized paper relating to Shri Krishna Mumbai. उसके AO को देगा इसका AO. Whether the contention raised by director as to jewelry found from his bedroom would be acceptable, assume किया जाएगा सब कुछ आपका ही है. What presumption shall be drawn in respect of papers which include transactions not recorded in books? ये माना जाएगा आपकी transactions सारी true हैं. Proceedings for how many years shall now be taken up and within which time limit the assessments have to be completed? मैंने एक्सप्लेनेशन 2 to 148 रिप्रोड्यूस की यहां पर. प्रैक्टिकली पेज 128, द डीडीआई दिल्ली विल रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी दैट द पेपर्स बिलोंग टू श्री कृष्ण लिमिटेड एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द सेटिस्फेक्शन हैंड ओवर the papers relating to Shri Krishna to AU having jurisdiction over Shri Krishna. Zebra wala case, the AU of Shri Krishna after taking approval from principal CIT CIT if satisfied
that papers belong to Shri Krishna will proceed under 147 against Shri Krishna Limited, following the provisions of 148, 149, 151, the A of Shri Krishna shall be deemed to have information suggesting income chargeable to tax has escaped assessment in case of Shri Krishna Limited for 3 assessment years immediately preceding the assessment year relevant to the previous in which the search is initiated. Ye 3 saal. However, for earlier assessment years, the notice under 148 can be issued only if AO has information suggesting income chargeable to tax has escaped assessment, and for 11, 12 to 17, 18, it exceeded rupees 50 lakh. It may be noted that AO is not required to follow the procedure and visits in 148A, but is required to obtain the approvals of 151. Dusra question kya tha? Ki jo jewelry mili, hum presumptions lenge, sab kuch assess hi kya hai? वही प्रिजम्पशन रिपीट कर दी हमने. जो बुक्स में रिपोर्टेड इनकम रिकॉर्डेड नहीं है उसे हम डीम्ड इनकम मानते हैं. ये पेनल्टी से चैप्टर में करेंगे. और नोटिस इश्यू करने के टाइम में मैच की मैंने वही सेक्शंस रिप्रोड्यूस किए. सो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है. मेरे हिसाब से मैंने सफिशिएंट टाइम डिवोट कर दिया इन अमेंडमेंट्स पर. चलिए आज फिर यहीं रुकते हैं. विल स्टॉप हियर.